क्लास 8, दिस इज इंग्लिश क्लास चैप्टर 7, रियलाइजेशन टू लाइफ. ओके, द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी इज सी स्माइल्ड एंड सेड ए बेगर चेंज्ड माय लाइफ. वो मुस्कुराई और बोली कि एक भिखारी ने मेरी ज़िंदगी को क्या किया है, बदल दिया. जो कि बहुत ही उदास रहती थी, हमेशा नेगेटिव बोलती थी, उसकी ज़िंदगी को एक भिखारी ने क्या किया था, बदल दिया था. आई वॉज एब्सोल्यूटली डम्फाउंडेड एंड सी कुड सी इट. ठीक है, मैं एकदम चुपचाप हो गई, अवाक हो गई. ठीक है, और वो यह देख सकती थी. यस ए बेगर, सी रिपीटेड, वो दोबारा दोहराई कि हाँ एक बेगर ने मेरी ज़िंदगी को क्या किया, बदला है, मुझे बदल दिया है. एज इफ टू रीअश्योर मी. ठीक है, जिसने मुझे यकीन दिलाया, जिसने मुझे यकीन करना सिखलाया. ही वॉज ओल्ड एंड यूज टू स्टे इन फ्रंट ऑफ माई हाउस विथ हिज 5 years ओल्ड ग्रैंड डॉटर. वो बूढ़ा था और मेरे घर के सामने अपने 5 वर्षीय एक पोती के साथ क्या करता था, मेरे घर के सामने रहा करता था. आई यूज़ टू गिव माई लेफ्ट ओवर टू दिस बेगर एवरी डे. मेरा डेली का जो भी बचा खुचा खाना होता था, जो भी होता था, ठीक है, वो हम उसको क्या करते थे, रोज़ उस भिखारी को, उस बेगर को दे देते थे. आई नेवर स्पोक टू हिम. मैंने कभी उससे बात नहीं किया, कोई बात उत नहीं करते थे, जाते थे और जो भी बचा खुचा होता था उसे दे देते थे. ठीक है, ये अच्छा काम करती थी. नॉर डिड ही स्पीक टू मी. ना मैं उससे कभी बात किया, ना वो कभी मुझसे बात करता था, ना किया था. ठीक है, वन मॉनसून डे आई लुक्ड आउट ऑफ माई बेडरूम विंडो एंड स्टार्टेड कर्सिंग द. एक दिन मॉनसून का दिन था, बारिश का टाइम था. ठीक है, मैं अपने बेडरूम से, विंडो से बाहर देखी और कर्स करना शुरू कर दी. किसके बारे में, रेन को. रेन को भला बुरा बोलना शुरू किया, अरे पानी पड़ने लगा, भींग जाएंगे, ये हो जाएगा, ऐसा करके हम लोग उसको वो बोलना शुरू की. वो आई डोंट नो वाई आई डिड दैट. मैं नहीं जानती थी मैंने ऐसा क्यों किया. बिकॉज आई वॉजेंट इवन गेटिंग वेट. मैं भींगी भी नहीं थी, मैंने मुझे बारिश छुआ भी नहीं था और मैं फिर भी ये कर्स करना शुरू कर दी थी. ठीक है, मुझे नहीं पता मैं ऐसा क्यों कर रही थी. दैट डे आई कुडंट गिव द बेगर एंड हिज ग्रैंड डॉटर देयर डेली कोटा ऑफ लेफ्ट ओवर. उस दिन मैं उस बेगर को और उसकी पोती को उस दिन का बचा खुचा खाना नहीं दी, नहीं दे सकी. ठीक है, दे वेयर हंग्री. आई एम श्योर, मैं श्योर थी कि वो लोग भूखे होंगे अब. ठीक है, क्योंकि मैंने तो खाना दिया ही नहीं, बारिश की वजह से मैं गई नहीं. ठीक है, ये वो सोच रही है और वो सोच रही है कि वो एकदम यकीनन क्या होंगे, भूखे होंगे वो और उसकी पोती. हाई वर बड़े साव फ्रॉम माई विंडो सरप्राइज्ड मी. लेकिन मैंने जो अपनी विंडो से देखा, वो देख के मैं सरप्राइज्ड हो गई. अपनी विंडो से जब मैं एक चीज़ को देखी, किसी चीज़ को, तो मैं देख के सरप्राइज्ड हो गई. द बेगर एंड द यंग गर्ल वे आर प्लेइंग ऑन द रोड बिकॉज देयर वॉज नो ट्रैफिक. ठीक है, वो जो बेगर है और उसकी जो यंग गर्ल है, ठीक है, उसकी जो पोती है, वो दोनों रोड पे खेल रहे हैं. ठीक है, क्योंकि उस दिन ट्रैफिक नहीं था, बारिश हो रहा था, तो भीड़ भाड़ कम था रोड पे और वो लोग मस्ती कर रहे हैं, खेल रहे हैं. ठीक है, बिना कोई टेंशन का, बेगर और उसकी पोती, जबकि वो भूखा है. ठीक है, दे वे आर लाफिंग क्लैपिंग एंड स्क्रीमिंग जॉयसली एज इफ दे वे आर इन पैराडाइज. ठीक है, वो लोग हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, गदगद हैं, खुश हैं. ठीक है, ऐसा लग रहा है जैसे कि वो लोग स्वर्ग में, मतलब अति आनंदित हैं. ठीक है, वो लोग मुस्कुरा रहे हैं, खुश हैं. ठीक है, हर्ष में हैं. हंगर एंड रेन डिड नॉट मैटर. भूख और वर्षा उन्हें कोई मैटर नहीं कर रहा था, किसी भी तरह का खलल नहीं डाल रहा था, उनके लिए कोई बड़ा बात नहीं था. चाहे वो भूखे हैं या बारिश हो रहा है, इनसे उनसे उन्हें फ़र्क नहीं पड़ रहा था, वो लोग खुश हैं. दे वेयर कम्प्लीटली ड्रेंच्ड बट टोटली हैप्पी. वो लोग पूरी तरह से भींग चुके थे, सराबोर हो चुके थे, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत खुश भी थे. आई इन्वाइट दे आर जस्ट फॉर लाइफ. ठीक है, बोलती है कि मैं रिश्ते रहा था उनको, एक तरह से उनको जलन हो रहा था. ठीक है, वो इतनी जो ज़िंदगी में वो लोग खुश थे, इन्जॉय कर रहे थे लाइफ को, मुझे अंदर से अजीब लग रहा था. ठीक है, रिश्ते आ रहा है. दैट सीन फोर्स्ड मी टू लुक एट माई ओन लाइफ. वो जो सीन था, वो जो नज़ारा था, ये देखने के लिए कि मेरी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, मैं कैसी हूँ, उसने मुझे फोर्स्ड किया कि मैं खुद को देखूँ, मैं कहाँ हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, मैं कैसी हूँ. आई रियलाइज्ड आई हैड सो मैनी कम्फर्ट्स नन ऑफ विच दे हैड. मैंने देखा उस दिन, मैं रियलाइज़ की, महसूस की कि मेरे पास हर वो आरामदायक चीज़ है, सारा कुछ आराम करने का है. ठीक है, हर तरह का लग्जरी है, हर तरह का कम्फर्ट्स है, जो कि उनके पास एक भी नहीं है, कुछ भी नहीं है. ठीक है, मेरे पास हर सब कुछ अवेलेबल है. बट दे हैड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल एसेट्स वन विच आई लैक्ड. लेकिन उनके पास वो हर वो एसेट्स है, हर वो संपत्ति है, हर वो चीज़ है जो कि मेरे पास नहीं है.
लाइफ को जीने का, इंजॉय करने का जो होना चाहिए वो मेरे अंदर नहीं है, मुझ में नहीं है, मेरे में कमी है और उनके पास वो चीज़ है। दे न्यू टू बी हैप्पी विथ लाइफ एज इट वॉज, जैसा भी ज़िंदगी हो वो लोग खुश होना जानते हैं, वो लोग खुश रहना सीखे हैं, वो लोग जान चुके हैं कि ज़िंदगी को जीना कैसे, चाहे ज़िंदगी कैसी भी हो लेकिन जीने का तरीका उन्हें पता है। आई फेल्ट असेंट टू माई सेल्फ ऑफ माई सेल्फ, ठीक है, मैं अपने आप पे मुझे शर्म आने लगा, मुझे बुरा लगा। आई इवन स्टार्टेड टू मेक ए लिस्ट ऑफ वॉट आई हैड एंड वॉट आई डिड नॉट हैव, मैंने एक लिस्ट बनाना उसे टाइम क्या क्या तैयार कर दिया, मेरे पास क्या है और क्या नहीं है, मेरे में क्या है, मुझ में क्या है, मेरे पास क्या है और क्या क्या नहीं है, इसका एक लिस्ट तैयार किया। आई फाउंड आई हैड मोर टू बी ग्रेटफुल फॉर देन मोस्ट पीपल कुड इमेजिन, ठीक है। आई फाउंड आई हैड मोर टू बी ग्रेटफुल फॉर देन मोस्ट पीपल कुड इमेजिन, ठीक है, बोला कि मुझे दूसरे के प्रति क्या होना चाहिए, ग्रेटफुल होना चाहिए, ठीक है। दैट डे आई डिसाइडेड टू चेंज माई एटीट्यूड टूवर्ड्स लाइफ यूजिंग द बेगर एज माई रोल मॉडल, उस दिन से मैंने अपनी ज़िंदगी को बदलना शुरू कर दिया, अपने तौर तरीके को, सलीके को बदल दिया और अपना रोल मॉडल किसको माने हम, उस बेगर को, ठीक है, वो बॉय बेगर मेरे लिए अब रोल मॉडल हो चुका था क्योंकि मेरी लाइफ को वो बदल चुका था। ओके, आफ्टर ए लॉन्ग पॉज आई आस्क्ड मीना हाउ लॉन्ग इट हैड टेकन हर टू चेंज, एक थोड़ा सा लंबा सा पॉज देने के बाद मैंने मीना से पूछा ये सब होने में कितना समय हो गया, इतना जो तुम्हें बदलाव आया, ये जो चेंजेस हुआ है ये कब हुआ। वंस दिस रियलाइजेशन डॉन्ट सी सेड इट टुक मी ऑलमोस्ट 2 years टू पुट द चेंज इनटू इफेक्ट, ठीक है। तो वो जब एक बोलता ना कि पहली बार किसी को एहसास होना, तो बोलती ये रियलाइजेशन जो हुआ, ये पहली बार जब मुझे अनुभव हुआ इसमें लगभग 2 साल हो चुका है और ये 2 साल में ये चेंज इफेक्ट में बदल गया, मतलब प्रभाव होने लगा हम पे, हम प्रभावित हुए इससे। एज यू नो आई वॉज क्रॉनिक पेसिमिस्ट, ठीक है, बोलती है कि जैसा तुम जानती थी कि मैं हर चीज़ में नकारात्मकता देखती थी, एक बीमारी हो चुका था मेनिया के जैसा। ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड, ठीक है, बोलता है जो पुराने आदतें होती है वो जल्दी पीछा नहीं छोड़ती, देर तक रहता है साथ। बट नाउ नथिंग मैटर्स, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है, अब मैं नेगेटिविटी या नेगेटिव थिंकिंग्स में सारा कुछ निकल चुका है मेरी लाइफ से, अब मैं पॉजिटिव होने लगे हैं, खुश रहने सीखने लगे हैं, ठीक है, पॉजिटिव हो चुके हैं, ऐसा वो बोले कि एक तो पुराना आदत जाते आते आता है तो लगभग 2 साल इसमें लग गया। आई एम ऑलवेज चेयरफुल एंड हैप्पी, मैं अब हमेशा खुश रहती हूँ और चेयरफुल हूँ। आई फाइंड हैप्पीनेस इन एवरी स्मॉल थिंग्स, मैं हर मामूली छोटे चीज़ों में भी खुशियाँ ढूंढ लेती हूँ। इन एवरी सिचुएशन एंड इन एवरी पर्सन, हर परिस्थिति में, हर इंसान के साथ, किसी के साथ भी हूँ, मैं खुशियाँ ढूंढ लेती हूँ, हैप्पीनेस ढूंढ लेती हूँ। डिड यू गिव गुरु दक्षिणा टू योर गुरु, आई आस्क्ड, मैंने पूछा तुम अपने रोल मॉडल को, अपने गुरु को गुरु दक्षिणा दी, मैंने ऐसे उससे पूछा। नो अनफॉर्चुनेटली बाय द टाइम आई अंडरस्टूड थिंग्स ही वॉज डेड, जब मैं इन सारी चीज़ों को समझी तो अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्य से वो मर चुका था, ठीक है। बट स्पॉन्सर्ड इज ग्रैंड डॉटर टू ए बोर्डिंग स्कूल एज ए मार्क ऑफ रिस्पेक्ट टू हिम, लेकिन मैं क्या करती हूँ, स्पॉन्सर्ड करती हूँ उसकी जो ग्रैंड डॉटर थी, उसकी जो डॉटर थी, उसकी जो पोती थी, उसे मैं अभी क्या कर रही हूँ, स्पॉन्सर्ड कर रही हूँ, उसका खर्चा सारा उठा रही हूँ, एक बोर्डिंग स्कूल में उसका एडमिशन करा दी, उसका सारा खर्च हम उठा रहे हैं, ठीक है, उसके रेस्पेक्ट में, उसके सम्मान में ये मैं कर रही हूँ। सो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी एंड ए वेरी मॉरलफुल। ओके, नाउ आंसर द क्वेश्चंस। ओके, थैंक यू।